हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डोमेन ग्रुप के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यूज़र क्या होता है और यूज़र की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। यूज़र के बाद जो आपका नेक्स्ट हायरार्की है वो है ग्रुप। उस दिन मैंने आपको बताया था ग्रुप मीन्स द कलेक्शन ऑफ यूज़र्स। कलेक्शन ऑफ यूज़र्स मतलब सेम टाइप के, जब हम यूज़र्स को एक जगह रख के उनके ऊपर सेम टाइप ऑफ परमिशंस लगाना चाहते हैं तो उस समय हम ग्रुप का यूज़ करते हैं। डोमेन ग्रुप का मतलब है कलेक्शन ऑफ डोमेन यूज़र्स। जब डोमेन ग्रुप है तो डोमेन यूज़र्स का ही कलेक्शन होगा। दो तरह के डोमेन ग्रुप बनाए जा सकते हैं, पहला है सिक्योरिटी ग्रुप और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप का मतलब है वो ग्रुप जिसके ऊपर हम पॉलिसीज़ अप्लाई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप का मतलब है वो ग्रुप जिसके ऊपर हम पॉलिसीज़ अप्लाई नहीं करते हैं। इसका मतलब ग्रुप बनाते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो ग्रुप बनाना चाहते हैं उसके ऊपर पॉलिसीज़ लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। अगर आपको पॉलिसीज़ अप्लाई करना है तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप टाइप सेलेक्ट करना चाहिए, और अगर आपको पॉलिसीज़ नहीं लगाना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप सेलेक्ट करना है। अगर ग्रुप के टाइप मैंने आपको बता दिए, ग्रुप के टाइप होते हैं सिक्योरिटी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप। अब अगर मैं ग्रुप के स्कोप की बात करूं, जो दोनों ही सिक्योरिटी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप दोनों तरह के होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों ग्रुप का स्कोप तीन होता है, डोमेन लोकल, ग्लोबल और यूनिवर्सल। डोमेन लोकल का मतलब है अलाउड टू एक्सेस ओनली ओन डोमेन रिसोर्सेज, और ग्लोबल का मतलब है अलाउड टू एक्सेस ओन डोमेन एंड इट्स सब डोमेन, यानी जो अपने डोमेन और अपने सब डोमेन को भी एक्सेस कर सके वो है ग्लोबल। यूनिवर्सल का मतलब है अलाउड टू एक्सेस ऑल ओवर द फॉरेस्ट। तो तीन तरह के स्कोप होंगे, ग्रुप स्कोप्स इसको कहते हैं। दिस इज द ग्रुप स्कोप, डोमेन लोकल, ग्लोबल और यूनिवर्सल। तो पहले आप ये सिलेक्ट करते हैं कि आपका डोमेन ग्रुप है वो सिक्योरिटी ग्रुप है या डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप है, और टाइप के बाद आप ये सिलेक्ट करते हो कि उसका स्कोप क्या है, डोमेन लोकल है, ग्लोबल है या यूनिवर्सल है, यानी कि उसको कहाँ तक के रिसोर्सेज को एक्सेस करना है। जहाँ तक के आप रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते देना चाहते हैं वहाँ तक के आपको ग्रुप स्कोप सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यानी आप दोनों चीज़ डिफाइन करोगे कि ये सिक्योरिटी ग्रुप का डोमेन लोकल है, सिक्योरिटी ग्रुप का ग्लोबल है, सिक्योरिटी ग्रुप का यूनिवर्सल है, या डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप का डोमेन लोकल है, डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप का ग्लोबल है और डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप का यूनिवर्सल है। आपको दोनों चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं, सिक्योर ग्रुप टाइप एंड देन ग्रुप स्कोप। इसका मतलब टोटल सिक्स टाइप ऑफ ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। पहला सिक्योरिटी ग्रुप का डोमेन लोकल, फिर सिक्योरिटी ग्रुप का ग्लोबल, तीसरा सिक्योरिटी ग्रुप का यूनिवर्सल। ठीक इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर जाकर भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड का डोमेन लोकल, डिस्ट्रीब्यूटेड का ग्लोबल और डिस्ट्रीब्यूटेड का यूनिवर्सल बना सकते हैं। तो टोटल सिक्स टाइप ऑफ ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको ये दिखाती भी हूँ। डोमेन कंट्रोलर पे ये देखिए, डोमेन कंट्रोलर पे मैं आपको ये सिक्स टाइप के ग्रुप बनाना सिखाती हूँ। हम अपने डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर रहे हैं। जहाँ से आपने यूज़र बनाया था आपको याद होगा, टूल्स के ऊपर स्टेप्स नोट डाउन करिएगा, टूल्स के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर के ऊपर टूल्स
टूल्स के ऊपर, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के ऊपर, ये देखिए जहां से आपने बनाया था एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर खुला, यहाँ पे डोमेन को मैंने एक्सटेंड किया, यूजर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, जहां से आप यूजर बना रहे थे ठीक उसी तरह से आप न्यू पर जाएंगे तो आपको ग्रुप का ऑप्शन भी मिलेगा, तो न्यू के ऊपर ग्रुप पे क्लिक करिए। अब आप ग्रुप पे देखिए क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप टाइप पे सिक्योरिटी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप दिख रहा है, और ग्रुप स्कोप के अंदर ये तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो ये डोमेन लोकल, ग्लोबल और यूनिवर्सल तीनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं सेम नाम से बना रही हूँ ताकि जब ग्रुप प्रॉपर्टीज बनाऊँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सिक्योरिटी का एस ले लिया और डोमेन लोकल का डी ले लिया, यानी एस डी के नाम से एक ग्रुप बनाया। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सिक्योरिटी का डोमेन लोकल ग्रुप है। दूसरा ग्रुप बनाते हैं, मैं सिक्स ग्रुप आपको बना के दिखाती हूँ क्योंकि हम इसका चार्ट क्रिएट करने वाले हैं ताकि हमें पता चले कि कौन किसका मेंबर बन सकता है। मैंने एस जी के नाम से दूसरा ग्रुप बनाया, एस जी मीन्स सिक्योरिटी का ग्लोबल। तीसरा है सिक्योरिटी का यूनिवर्सल यानी एस यू। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड का डोमेन लोकल यानी डी डी। डिस्ट्रीब्यूटेड का डोमेन लोकल, डोमेन लोकल पे क्लिक कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड का डोमेन लोकल। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का ग्लोबल, एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड का यूनिवर्सल डी यू। तो ऑल सिक्स ग्रुप्स हमने क्रिएट कर लिए। अब इसके अंदर ग्रुप की प्रॉपर्टीज पे जाएं तो हमें दो चीज मिलती है। पहले मैं आपको समझा दूं, ग्रुप की प्रॉपर्टीज पे जब हम जाएंगे तो हमें दो चीज मिलेगी, हमें दो चीज मिलेगी। ग्रुप प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो हमें दो चीज मिलती है, एक मिलता है मेंबर यानी इस ग्रुप के मेंबर कौन कौन है, मेंबर्स, और दूसरा मिलता है मेंबर ऑफ। मेंबर ऑफ का मतलब है ये ग्रुप किसका मेंबर है, मींस जब हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो इस ग्रुप के जूनियर्स की बात कर रहे हैं कि इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से मेंबर आ रहे हैं, और जब हम मेंबर ऑफ की बात कर रहे हैं तो हम ये डिफाइन कर रहे हैं यानी सीनियर्स की बात कर रहे हैं, ये ग्रुप किस ग्रुप का मेंबर है। तो याद रखिएगा मेंबर्स मतलब जूनियर्स और मेंबर ऑफ मतलब सीनियर। तो अगर मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सिक्योरिटी का डोमेन लोकल लेते हैं एस डी। ये देखिए अगर आप टाइप में देखें तो यहाँ डिफाइन भी कर रहा है सिक्योरिटी ग्रुप का डोमेन लोकल। इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, देखिए आपको यहाँ मिल रहा है मेंबर्स और मेंबर ऑफ। अगर मैं एक डोमेन लोकल के मेंबर्स को चेक करूँ कि कौन कौन से ग्रुप इसके मेंबर हो सकते हैं तो आपको ऑल सिक्स ग्रुप्स इसके मेंबर मिलेंगे, ऑल सिक्स ग्रुप इसके मेंबर मिलेंगे। ये देखिए डी यू डी जी और एस डी एस जी एस यू। इसका मतलब कि डोमेन लोकल के मेंबर जूनियर्स सिक्स, ऑल सिक्स ग्रुप हैं। नोट डाउन कर लेते हैं इसे, हम एक चार्ट बनाइए ताकि आपको क्लियर रहे। सिक्योरिटी ग्रुप के
डोमेन लोकल की अगर हम बात कर रहे हैं, डोमेन लोकल की, तो ऑल सिक्स ग्रुप्स आर मेंबर ऑफ दिस, यानी सभी इसके मेंबर हो सकते हैं, मेंबर, ऑल सिक्स ग्रुप आर मेंबर, क्योंकि मैं यहां पे मेंबर्स ऑफ लिख दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऑल सिक्स ग्रुप्स आर मेंबर्स। अब हम दूसरा चेक करते हैं, मेंबर ऑफ यानी इस ग्रुप का सीनियर कौन है, तो मैं मेंबर ऑफ पर जा रही हूं, ये देखिए अभी हम मेंबर्स पे गए थे तो हमें ऑल सिक्स ग्रुप मिल गए, अब मैं मेंबर ऑफ पर जा रही हूं, एड एडवांस फाइंड नाउ पे गए, ध्यान से देखिए आपको सिर्फ डोमेन लोकल मिल रहा है, यानी एक डोमेन लोकल का सीनियर केवल डोमेन लोकल ही हो सकता है। इससे रिजल्ट क्या निकलता है, इससे रिजल्ट ये निकलता है कि डोमेन लोकल इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप, डोमेन लोकल इज द मेंबर ऑफ ओनली डोमेन लोकल। तो इससे रिजल्ट मैंने आपको निकाल के दिखाया कि डोमेन लोकल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है। अब दूसरा देखते हैं, अब हम बात करेंगे सेकंड ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप का ग्लोबल। अब दिखाती हूं मैं कि ग्लोबल के मेंबर कौन कौन हो सकते हैं और इसका मेंबर ऑफ कौन कौन हो सकता है। इसे कैंसिल करते हैं, हमें डोमेन लोकल का पता चल गया। ये देखिए अब एसजी को मैं सिलेक्ट कर रही हूं, सिक्योरिटी ग्रुप का ग्लोबल, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाइए तो यहाँ पे भी मेंबर और मेंबर ऑफ दिख रहे हैं, इसका मेंबर कौन हो सकता है, यानी इसके जूनियर कौन हो सकते हैं, ध्यान से देखिए केवल डीजी और एसजी मिला, यानी इसका जूनियर सिर्फ एक ग्लोबल ही हो सकता है, ओनली ग्लोबल is the member, यानी इसका जूनियर केवल ग्लोबल हो सकता है, और इससे सीनियर कौन हो सकता है ये भी चेक कर लेते हैं। जब हम मेंबर ऑफ पे जा रहे हैं तो देखिए इसका सीनियर कौन हो सकता है, ध्यान से देखिए ऑल सिक्स आर सिक्स ग्रुप्स आर मेंबर, डीजी डीडी डीयू मिल गया और नीचे एस डी एस जी एस यू मिल जाएगा, यानी ऑल सिक्स ग्रुप कैन बी द सीनियर ऑफ दिस ग्रुप, एस डी एस जी एस यू। इसका मतलब क्या है, ये वीकेस्ट ग्रुप है, ऑल सिक्स ग्रुप आर मेंबर ऑफ, यानी ये सबसे ज्यादा आपका वीकेस्ट ग्रुप है। तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी ग्रुप का यूनिवर्सल। दिखने में ऐसा लग रहा था जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तो आपको लग रहा था यूनिवर्सल इज द वीकेस्ट ग्रुप, क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा जो है वो आपका ग्लोबल ग्रुप होता है, और स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप आपका कौन सा होता है, डोमेन लोकल ग्रुप। अब मैं एक बार आपको इसका भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, यूनिवर्सल का, ये देखिए प्रॉपर्टीज पे गए, जब हम मेंबर पे जा रहे हैं यानी इसका जूनियर कौन हो सकता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखिए डीजी और DU, यानी ग्लोबल और यूनिवर्सल दोनों मिले आपको, SG और SU भी मिल रहे हैं, इसका मतलब कि
यूनिवर्सल के मेंबर जो हैं वो डोमेन लोकल और ग्लोबल दोनों हो सकते हैं। ये मीडियम बात है, सिर्फ सॉरी डेट इज नॉट डोमेन लोकल, जूनियर की बात कर रहे हैं, ग्लोबल और यूनिवर्सल केवल हो सकते हैं। ग्लोबल और यूनिवर्सल इसके जूनियर हो सकते हैं क्योंकि ग्लोबल तो वीकेस्ट ग्रुप है। और हम जब इसके सीनियर की बात करते हैं, मेंबर ऑफ की बात करते हैं, तो मेंबर ऑफ में आपको मिलेगा डोमेन लोकल और डोमेन यूनिवर्सल, यानी डोमेन लोकल और यूनिवर्सल इसके सीनियर हो सकते हैं। मेंबर ऑफ कौन होगा? मेंबर ऑफ होगा डोमेन लोकल और यूनिवर्सल इसके मेंबर ऑफ हो सकते हैं। तो रिजल्टेंट क्या निकला? रिजल्टेंट ये निकला कि डोमेन लोकल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप बनाता है और यूनिवर्सल मीडियम ग्रुप बनाता है और ग्लोबल सबसे वीकेस्ट ग्रुप बनाता है। आपने ये प्रैक्टिकल करके देख लिया।